गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ये नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, देवताओं का पढ़ लिया था, अब दानव की बारी है। दानवों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब हमें परीक्षा तो देनी होगी, तो उन्होंने क्या किया, दानवों ने भी किवाड़ बंद किए और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। यूँ सीधा हाथ किया और ऊपर उछाल उछाल के लड्डुओं को खा रहे थे, कुछ तो मुँह में जा रहे थे, कुछ इधर उधर गिर रहे थे, ऐसे लड्डू चूर चूर भी हो रहे थे ज़मीन पर और हो हल्ला भी हो रहा था, क्योंकि वो एक उछाल उछाल कर लड्डुओं को खा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ भी रहे थे, झगड़ भी रहे थे आपस में। इस तरीके से वो अपने लड्डू फिनिश कर रहे थे, बेकार ही यहाँ आए, आ गए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे करके वो चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि उनसे खाया ही नहीं जा रहा था ढंग से। सारी स्थिति स्पष्ट थी, प्रजापति ने कहा देवता ही, फिर उन्होंने देखा भाई इधर कमरे में देखा तो पूरी गंदगी हो रखी थी दानवों के कमरे में, राक्षस ने क्या क्या उछाल उछाल कर खाए तो सारी गंदगी हो गई और हल्ला हो ये वो। देवता तो बड़ी शांति से खा रहे थे एक दूसरे के सामने बैठकर। तो अब आपने भी स्टोरी सुनी है तो आपको भी पता चल गया होगा कि श्रेष्ठ कौन है। तो प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों, इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई और आमने सामने बैठे और एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे। थोड़ी देर में थाल भी साफ हो गया, न तो उन्होंने कोई गंदगी की, न शोर किया और मिलजुल कर खा रहे थे। और उधर दानव क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे और लड्डू उछाल रहे थे, गंदगी कर रहे थे, लड्डू चूर चूर हो रहे थे, कुछ मुंह में जा रहे थे, कुछ नीचे गिर रहे थे, तो ऐसे करके उन्होंने खाया। इसका मतलब उन्होंने वो श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछाले ये वो किया और लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा उनका, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें देवता जो थे वो श्रेष्ठ माने गए, ठीक है। अब इस स्टोरी के ये जो शब्द अर्थ हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं, ये देखो नोटबुक के अंदर आपको ये शब्द अर्थ करने हैं। दानव का राक्षस, पक्ष तरफ, प्रजापति, ब्रह्मा, संतान, औलाद, टेढ़ा प्रश्न, कठिन प्रश्न, आमंत्रित यानी न्योते, गए या बुलाए, पक्ष तरफ, मिष्ठान, मिठाई, ताकना, देखना, और क्या है, आज्ञा, आदेश, उपाय, तरकीब, दानव, असुर, परीक्षा, इम्तिहान, टूट पड़ना यानी झपटना, लपकना यानी पकड़ना, चूर चूर होना यानी बिखर जाना, श्रेष्ठ यानी बड़े, सहकार यानी सहयोग, सूझबूझ यानी अक्लमंदी, चतुराई, बुद्धि, अक्ल। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रजापति ने भोजन के लिए किनको आमंत्रित किया, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी, प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोहनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। फिर है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई, देवताओं ने अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों, शोरगुल दानव कर रहे थे, बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते, इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। ये है आपका नोटबुक वर्क और ये है बुक वर्क। बुक वर्क में आपको ये फिल करने हैं, ठीक है, ये खाली जगह, और ट्रू फॉल्स जो है इसमें फिल करने। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, यहाँ पे क्या आएगा, ये वन नंबर श्रेष्ठ, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, टू नंबर, वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे हैं ना, थर्ड, फिर है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, ये है फोर्थ, ओके। फिर है ट्रू फॉल्स, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, यस, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया, नहीं, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन कराया, गलत, क्योंकि प्रजापति ने तो शर्त रखी थी ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, यस,
ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आंसर जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से अच्छी राइटिंग में करना, और नोटबुक में मैंने तो यहाँ ब्लू पेन से लिखा है, आप लोग क्वेश्चन ब्लैक से लिखोगे और आंसर ब्लू से करोगे। और ये शब्दार्थ में भी शब्द पहले आप ब्लैक से लिखोगे और अर्थ ब्लू पेन से लिखोगे। थैंक यू।